लिखने वाले लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ लिखे तेरे
बात चौखट से चली है, मदीने तक चली है, लाखोटिया तक आई है, और फनकार ये कहता है चौखट में सर रख दिया अब उठना हराम है, चौखट में सर रख दिया अब उठना हराम है, और लाखोटिया के दर पे पाया आराम है, और सुरों की इस रात को सजाने का मौका मिल गया, समझो ये जिंदगी का सच्चा इनाम है। एक बहुत ही अच्छी बात इसी शायर ने लिखी, वडाली बंधु पंजाब वाले, वडाली बंधु, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, हमें हीरो से मतलब क्या, हमें हीरो से मतलब का, मेरा तो यार है हीरा, तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन दे रे ना, और ना ताली बजाए बार बोले ओ जाली तेरे रोजे की नगीने की तरह है, जाली तेरे रोजे की नगीने की तरह है, और सीना कहते सीढ़ियों को, अरे जीना भी तेरा अर्श के जीने की तरह है, और ये खादिम, अरे खादिम तेरा हर एक शहनशाह की तरह है, और ख्वाजा तेरा अजमेर मदीने की तरह है, कुछ भी कोई भी बात कहे और लाए वहीं पर, अरे तुझ पे जीना जीना, तुझ पे जीना जीना, की चुराई चाल सी को चुराई, लंग सच्ची को चुराई, मुख ना सचोरी फिक्र के चुराई, वेड मृग के चुराई, ने नदर अनान हुंदरी कमीर केत कभी व्याली व्याली व्याली
लाल की चुराई, रत्ती रत्ती शोभा सब रत्ती के शरीर की, अब तो कन्हैया जी के चित्त को चुराई, चोर दिया छोर दिया गोर दिया हीर की। बिल्कुल देखिए बहुत सुंदर बात कही कजू जी राव ने, बहुत ही सुंदर, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कर लो भैया जी, अभी तालियां। और ये बिल्कुल जहां तक मेरी नजर पहुंचती है कि आज का ये कार्यक्रम हिट नहीं सुपर हिट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, अरे ये हिट हुआ कि नहीं हुआ बोलो, अरे कुछ भी नहीं। मदीना जाने से पहले अजमेर जाना जरूरी, उसके बाद मदीना जाए, क्यों हिंदुस्तान का मदीना अजमेर। और सांझ से भोर भई पीऊ आवन, हो सांझ से भोर भई पीऊ आवन, नाजुक नार सिंगार सजायो, पीरों में हर पीरों जे हर पीरों हार करे रिपतायो, हीरोई पाल लियो मुखवाई, पीरोई केसर तिलक लगायो, पीव के कारण पीर भाई को पीरो पायो पर पीवन आयो, अरे कल कंकरी परी नैन में नैन हो तू बेचैन, उनने नन को चैन कहा जो रहे नैन में नैन, अरे उनने नन को चैन कहा जो रहे नैन में नैन, तुझ बिन जीना क्या रे, बात सांझ और भोर की कह दी है। और ये सच बात है, जिस तरह की रंगत इन सुरों में आज सजी है, जो आज रजत जयंती की ये 25वीं वर्षगांठ, जिस तरह के आपके चेहरे आफताब का सा नूर बिखेर रहे हैं, ये साबित हो रहा है, प्रमाणित हो रहा है, प्रकट हो रहा है कि भोर के माथे पर तपता हुआ आफताब रख, भोर के माथे पर तपता हुआ आफताब रख और सांझ की दहरी पर पिघलता हुआ महताब रख, साथ में गाने से फितरत बदल जाएगी, अपने सुर के दरिया को बहते हुए आसपास रख। भाई साहब जीना कुछ भी नहीं, कुछ भी जीना क्या जीना, क्या जीना, अरे क्या जीना, जीना क्या जीना, जैसे भक्त शिरोमणि मीना भाई, भक्त शिरोमणि कर्मा भाई, सीता राधा और मीरा के सबके प्यारे स्वामी,
सबसे नारी सबसे प्यारी स्वामी अंतरिया तुझ बिन जीना जीना Oh
जीना, हीना जीना, तुझे भी जीना क्या जीना। उम्र बिताई बीत गई, तेरी जो उम्र बिताई बीत गई तेरे बिना, उम्र बिताई बीत गई अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, और इसलिए देखिए किसी के हम यदि किसी को चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुर्बान हो सकता है। जितने वादे खुदा ने मेरे नाम लिखे, जितने वादे खुदा ने मेरे नाम लिखे, उन ख्वाबों का रिशा साथ सुनो, साथ सुनो का, साथ सुनो का, हेलो बेहता दरिया तेरे नाम हो गया योगे, बहुत बहुत सुंदर कह दिया तुमने, तालियां तो बजाओ। हकीकत में, हकीकत में सात सुरों की बात सुनने में आ रही थी, सुनने में आ रही थी, सुनने में आ रही थी, मगर आज लाखोटिया की रजत जयंती के इस महामहोत्सव में हम सभी आपके भाग्य की सराहना करते हैं कि इन फनकारों ने सात सुरों को न केवल जमीन पे उतारा है लेकिन ये साबित किया है कि यह लोगों ये देखकर समझो कि नफरतों से दूर घर अपना बनाना चाहिए। इन सात सुरों का सारा सार नफरतों से दूर घर अपना बनाना चाहिए और शाम होते ही पंछियों को ठिकाना चाहिए। अरे तैरना आता भले ही हो तुम्हें अच्छी तरह, ये सात सुरों का दरिया मिले तो डूब जाना चाहिए। बहुत सुंदर ओम जी भाई साहब, एक बहुत सुंदर बात इसी की जो प्रकाश जी ने कही, कभी भी कोई भजन या गीत हम कहें तो बिना छाप के नहीं गाए, कम से कम उसको श्रेय मिले के लिए लिखा हुआ किसका है। जिस आदमी ने जीवन भर कोशिश करके लिखा और मंच पर उसका नाम ही नहीं आवे उस गरीबड़े की तो कमी खराब हो गई। इसलिए ये जो रचना इन्होंने गाई, ये जिनकी लिखी हुई है, एक तो होता समंदर और एक होता है नीला समंदर। ओम जी इसमें अंतर है, समंदर की गहराई का पता लगा सकते हैं मगर जो नीला समंदर होता है नीला उसकी गहराई का आज तक दुनिया के साइंटिस्ट पता नहीं कर सकते ये कितना गहरा है। तो ये लेखनी को लिखने वाले दुख के गहरे दुख के गहरे नीले समंदर में खावर खावर साहब इसको लिखने वाले हैं। अरे तेरी आंखें
अब ये देखें किसकी है, जिसकी जैसी सोच है वहां पर लगा ले रहे, कोई लगा ले हम परशुराम महादेव में, कोई लगा ले लाखोटिया महादेव में, और कोई ताती जी जगह लगा ले। ये तो अपने अपने भाव की बात है ना, अपने अपने विचारों की बात है। अरे तेरी आंखें देखी जजीरा, तेरे नाम तेरे नाम, अरे तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना। अशोक जी चौहान बोलिए। साहिब ने बहुत सुंदर जीने की बात, जीने की बात तो बिन तेरे क्या जीना, बिल्कुल मुकम्मल एक भावना इसको किसी शायर ने ऐसे भी कहा है।
नहीं मिलती किसी की सूरत, और हम जहां में है तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। अरे कुछ गा लिया कुछ पा लिया और हो गए वो आम। देखिए ये बहुत सुंदर बनते हैं। कुछ गा लिया और कुछ पा लिया और कुछ हो गए वे आम। तेरे बिना तो सांस भी लेना मुझे हराम। कुछ बिन जीना मुझे जीना तो ये है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह जितने भी राजस्थान के सुर के सुरमा हैं वो सब कह रहे हैं कि तुझ भी न जीना का है। लगभग 45 मिनट से एक पंक्ति के ऊपर सुर मिल रहा है और आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है ये दौर बिल्कुल कभी कभी समझ में नहीं आने वाली भाषा बिना रोशनी की लालटेन हो जाती है। लेकिन फिर भी ये पाली की जनता है, इन्होंने आपको पहचान लिया है। आप सभी ऐसा कह रहे हैं कि तुझ बिन रात की तारीख तन्हाइयों में बैठकर तेरे कदमों की आहट सुना करता हूं। रात की तारीख तन्हाइयों में बैठकर तेरे आने की राह तका करता हूं और चुभ न जाए कोई कांटा तेरे नाजुक से पांव में। इसीलिए तो राह के हर खार को पलकों से चुना करता हूं। एक अंदर दिलीप भाई क्या गारी तलब है प्यासे की। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या और तलब हो। बूंदे ठंडे पानी की। ये दिलीप जी जो कह रहे हैं उसका अर्थ यह है कि भाई भूखा हो और उसको भोजन मिल जावे उससे बड़ी उसके लिए कोई सौगात नहीं। कोई प्यासा हो और कोई पानी पिला दे उससे बड़ी उसकी कोई सौगात नहीं। और कोई मेरे जैसा गरीब ना हो उसे दो पैसे मिल जावे तो उससे बड़ी कोई सौगात नहीं। ये अर्थात ठंडे पानी की।
गल जल्ला सेहरा का मैं बेकल जल्ला सेहरा का तू रहे मत का रियल बात है कि अभी गाने वाले बहुत बैठे हैं यूं तो कहीं ये पूरा वैग होने बोले छह महीना गाँव जी तो ये पूरा वैग होने मैं कर दू पापो गाड़ दू छाप छाप लगवा दू और भूखाने भोजन मियो बालूड़ा ने मिल गई माई ने देखी जो सूरत आपकी और ना ओ भजन है ओ भजन है कोई नया वे नाम जी ओ भजन है इन वास्ते ठेठ भजन माते क्यों लायो के भजन माते पूरा हो जाए नंद गो दीवानो जारो एक थोड़ा सुर चेंज कर सुर चेंज चार कर रे काली चार काली चार काली चार 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 एक बार समझ लो आज जो भक्ति संगीत में क्लॉरिनेट पर संगत कर रहे श्रीमान देवीलाल जी देवड़ा जो कि मेवाड़ की धर्मधरा से है एक बार सभी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें क्लॉरिनेट पर जो संगत करें श्रीमान देवीलाल जी देवड़ा सजनों इसी भजन को मैं वही जगह पे लाके छोड़ रहा हूँ नाम दो दीवानो जारो अरे कोई क्या करे रे अरे नाम रो दीवानो जारो कोई क्या करे रे जाने दे भूत भागे काल जम जरे काल जम जरे नाम रो दीवानो भाई रे जोगी मस्तानो हे नाम रो दीवानो जोगी मस्तानो कोई क्या करे रे सजनो एक बार कालू भाई के लिए जोरदार ताली हो जाए जाने दे क्या भूत भागे काल जम जरे अच्छी बात लिखी के नाम रो दीवानो जरो कोई क्या जो भगवान का दीवाना है आज आ लाखोटिया महादेव मेला मंडल समिति अंकलो भाव